एवरीवन वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका चैनल के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कोपा अमेरिका के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुका है 15 जून से। तो चलिए जानते हैं इसके फॉर्मेट और बहुत सारी और भी जानकारी के बारे में, और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोपा अमेरिका में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हिस्सा लेते हैं, और जैसे यूरोप की फुटबॉल एसोसिएशन का नाम यूएफए है, उसी तरह साउथ अमेरिका की फुटबॉल एसोसिएशन का नाम कॉनमेबॉल है। इस एसोसिएशन में सिर्फ 10 ही मेंबर्स हैं, जिसमें से अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, पेरू, वेनेजुएला और यूरुग्वे हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि कौन सी टीम्स इसमें कॉन्टेस्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे 2019 कोपा अमेरिका के बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ है आज से। इस साल ये टूर्नामेंट ब्राजील होस्ट कर रहा है, और ये टूर्नामेंट 15 जून से लेकर 8 जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा इस बार टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 10 टीम जो हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हैं, वहीं बाकी दो टीम्स जो हैं एज अ गेस्ट बुलाई गई हैं। और ये दो टीमें हैं कतर और जापान, जिन्होंने 2019 एएफसी एशियन कप फाइनल खेला है। ग्रुप स्टेज की बात करें तो इस साल तीन ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें ग्रुप ए में से ब्राजील, बोलीविया, वेनेजुएला और पेरू हैं। ब्राजील ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है और उन्होंने बोलीविया को 3-0 से हराया है। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो उसमें अर्जेंटीना, कोलंबिया, पैराग्वे और कतर हैं। ग्रुप सी में हमारे पास यूरुग्वे, इक्वाडोर, चिली और जापान हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहली 6 टीम जो हमें मिलेंगी वो होंगी हर एक ग्रुप में टॉप 2 रहने वाली। वहीं बाकी की 2 टीम्स जो हैं वो हर एक ग्रुप में जो तीसरे पोजीशन पे टीम आई है उनमें से जिसके बेहतर अंक होंगे वो होंगी। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 8 टीम्स पहुंच जाएंगी क्वार्टर फाइनल में। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल 27 जून से शुरू होंगे, वहीं बाद में सेमीफाइनल जो है 3 और 4 जुलाई को होंगे, और आखिरकार हमारे पास फाइनल जो है 8 जुलाई को होगा। तो दोस्तों, आपने जाना 2019 कोपा अमेरिका के बारे में। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे खबर है, वो ये कि कोपा अमेरिका अगले साल भी खेला जाएगा, जो कि होगा कोपा अमेरिका 2020। दरअसल कॉनमेबॉल जो है वो चाहती है कि ये जो टूर्नामेंट है इवन साल्स में मनाया जाए, और इसके चलते ये यूरोपियन चैंपियनशिप की बराबरी कर लेगा। फाइनली कोपा अमेरिका 2020 के बाद ये टूर्नामेंट हर 4 साल में होगा, जो कि यूएफए यूरो के पैरेलल खेला जाएगा। 2020 कोपा अमेरिका की बात करें तो ये टूर्नामेंट 12 जून 2020 से शुरू होके 12 जुलाई 2020 तक होंगे, और इसके होस्ट जो हैं 2 देश हैं, और वो हैं अर्जेंटीना और कोलंबिया। सो दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सी टीम है इस टूर्नामेंट को जीतने की फेवरेट। तो सबसे पहली जो फेवरेट है वो है ब्राजील। हमेशा की तरह ब्राजील जो है एक अच्छी स्क्वाड लेकर आई है इस कोपा अमेरिका में भी। नेमार जूनियर भले इंजर्ड है, लेकिन उनके पास बहुत सारी स्क्वाड डेप्थ है, जिसके कारण ब्राजील ये टूर्नामेंट जीत सकती है। टूर्नामेंट की दूसरी फेवरेट टीम अर्जेंटीना मानी जा रही है। लाइनल मेस्सी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 बार अर्जेंटीना के साथ फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंटरनेशनल ट्रॉफी हाथ नहीं लगी है। तो यहां पे उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका जिताएं और बाद में बैलन डोर जीत सकें। तीसरी फेवरेट टीम की बात करें तो वो है यूरुग्वे, क्योंकि उनकी ज़बरदस्त डिफेंस लाइन है। वहीं अटैक में देखिए उनके पास बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे एडिसन कवानी हो, लुइस सुआरेज और मैक्सी गोमेस जैसे खिलाड़ी उन्हें ये टूर्नामेंट जिता सकते हैं। मैचेस की बात करें तो आज रात 12:30 बजे होगा वेनेजुएला वर्सेस पेरू का मुकाबला। वहीं सुबह 3:30 बजे है लायनेल मेस्सी की टीम अर्जेंटीना का मुकाबला हामेस रोड्रिगेज़ की टीम कोलंबिया के साथ। सो दोस्तों, अब से हर संडे वीकली फुटबॉल न्यूज़ पर वीडियो आएगी, जिसमें देखिए फुटबॉल से जुड़ी हफ्ते भर की न्यूज़ आपके सामने होंगी। वही देखिए, आपके पास कोई और नया आइडिया है वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल के लिए हमेशा की तरह देखते रहें और सपोर्ट करते रहें फ्री किक सिंह।